संसद सत्र की बात करते हैं। संसद सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है, हर बार की तरह इस बार भी हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इसको लेकर अगर हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी संजय सिंह के पक्ष में अब उतर आई है। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है, राम गोपाल यादव जी का भी बयान आया है। इस संजय सिंह के सस्पेंशन को आप कैसे देखते हैं? और जो हर बार हर सत्र में संसद में इस तरीके से विपक्षी दलों का हंगामा होता है, जिस वजह से बार बार जो कार्रवाई होती है वो बाधित होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चोर के भाई लुटेरे, जब चोर के भाई लुटेरे हो जाते हैं, 24 दल जब इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अपनी कहनी है, उनको न देश की सुननी, न देश के लिए कुछ उनको कोई अच्छा मार्गदर्शन करना। उन्हें केवल 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 मोदी हटाओ अभियान है उनका, केवल मोदी हटाओ अभियान। न कोई बयान देना चाहते, न किसी के बयान को सुनना चाहते। आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बड़ा घर नहीं लूँगा, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, और वो सब काम उल्टे किए उन्होंने। 3 बंगलाओं का 1 बंगला किया, आप लोगों ने छापाए। 3 बंगला का 1 बंगला, यानी प्रधानमंत्री से बड़ा बंगला मुख्यमंत्री ने दिल्ली जैसे शहर में बनाया। दिल्ली छोटा सा 100 किलोमीटर के दायरे का है, उसमें 3 बंगलाओं का 1 बंगला जबरदस्ती कराया। उन्होंने 56 करोड़ सरकारी खर्च किए, 150 करोड़ रुपए उन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों से खर्च कराए। सरकारी संपत्ति में प्राइवेट ठेकेदारों से खर्च नहीं कराना चाहिए। मैं लेबर विभाग का मिनिस्टर हूं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने 33 करोड़ रुपया सेस का जो गरीब मजदूरों के लिए खर्च होना चाहिए, उन्होंने 33 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अपनी एड में, दिल्ली की एड में। फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की कि पूरे भारत का जो सेस का पैसा है केवल 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 लेबर के लिए खर्च होगा। 33 करोड़ महसूद के उन्हें वापस करना पड़ा। दूसरी बात, आदरणीय अरुण जेटली जी अब तो ऊपर हैं, अच्छे स्थान पे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने वहां लिखित माफी मांगी तो उन्होंने 1000 बार माफी मांगी। झूठ बोलने की आदत है। मैं तो ये कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, कम से कम नरक में तो जगह बनाए, स्वर्ग में जगह न बनाए तो नरक में जरूर जगह बनाए कि नरक भी ठीक ठाक मिल जाए उनको। क्योंकि इतना झूठ मैंने ऐसा राजनीतिक आदमी देखा नहीं जो मतलब झूठ का ही पुलंदा हो, हर चीज में झूठ, और आज जो बोल देते हैं कल नहीं बोलते। जैसे कि मुझे एक सज्जन ने बताया, मैं उनसे मिलने गया तो बोले ये शर्ट, उन्होंने बहुत महंगी शर्ट पहन रखी थी, 20-25 हज़ार की। तो उन्होंने कहा ये तो शर्ट बड़ी महंगी है। तो बोले ये तो फलाने उसकी है, कोई ब्रांड था कि 20-25 हज़ार की ब्रांड। तो वो फटाफट गए, फिर वो 250 रुपये वाली शर्ट पहन के आए। दिखावा, बेईमानी, लूटपाट। देखिए, उन्होंने ये जो शराब घोटाला जो हुआ, उनका डिप्टी सीएम, ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए जिनकी सारी कैबिनेट जेल में पड़ी हुई है। उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, ना उनको समाज में रहने का अधिकार है। उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि लोकशाही में लोगों का पैसा खाना इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता, जिसका आज आदरणीय लालू जी भोग रहे हैं कि नहीं। कितने वर्षों से किडनी फेल होगी, सब भोगना है, जो बाकी बचा कुछ है ऊपर जाके भोगना है, हर व्यक्ति को भोगना है। इसलिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, देश के और प्रदेश का जो काम कर रहे हैं, विश्व में सराहना हो रही है। इनके काम की विश्व में कहाँ सराहना हुई? इनके काम की विश्व में कहीं इनको कहीं अचीवमेंट मिला, कहीं कोई अवार्ड मिला? आदरणीय मोदी जी को 22 देशों ने प्रथम नागरिक का अवार्ड दिया है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्योंकि ये महाबेईमान है। एक तो बेईमान होता है, ये महाबेईमान है, और ये तो दारू को भी हजम कर जाएंगे, ये तो दिल्ली को भी हजम कर जाएंगे। और इनको झूठा ये बांटना, रेवड़ी बांटनी, झूठी रेवड़ी बांट के केवल लोगों को बरगला देना। आज देखिए यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई व्यवस्था है इनके पास? अब वो डाल देंगे केंद्र के ऊपर। अरे भैया, शासन तुम कर रहे हो, प्रशासन तुम चला रहे हो, नंबर 2 का पैसा तुम कमा रहे हो, खा रहे हो तुम हो, और तुम जो बेईमानी कर रहे हो, तो जनता के लिए हित का काम नहीं करोगे तो क्या होगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।